अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आजकल कोरियन नूडल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं। मैंने अक्सर घरों में देखा है कि बच्चे बड़े इसी की बातें कर रहे हैं, और मार्केट में ये नूडल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और खास बात यह है कि घर में जो बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं। तो चलिए फिर इस मज़े की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से अनिलास डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें नूडल्स चाहिए। तो आपने किसी भी ब्रांड के किसी भी फ्लेवर के नूडल्स ले लेने हैं। मैंने यहाँ पर 3 पैकेट कनोर नूडल्स के लिए हैं, और अब हमने यहाँ पर इनको सबसे पहले बॉईल करना है। और बॉईल मैंने इसको कर लिया है, 5 मिनट के लिए मैंने इनको बॉईल किया है, और फिर हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। और ऊपर से मैं यहाँ पर आम नॉर्मल पानी डाल दूँगी ताकि ये आपस में चिपके ना। चलिए, नूडल्स तो हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हमने एक बाउल ले लेना है, इसके अंदर मैं 1 टीस्पून सेसमी सीड्स शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ग्रेटेड गार्लिक शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ऑरिगेनो शामिल कर दिया है, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पर किनोर के 3 पैकेट नूडल्स के लिए थे, उन तीनों का जो किनोर मसाला था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, और 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर विनीगर ऐड करेंगे। और अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप शामिल कर रही हूँ, और 2 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। थोड़े से कोरिएंडर लीव्स मैंने कट किए हुए थे वो शामिल कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2-3 चुटकी मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड किया हुआ है वो शामिल कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अच्छी तरह से ऑयल गरम करके हम इस मसाले में शामिल करेंगे। हम अपने मसाले को इस ऑयल से तड़का लगाएंगे जिससे कि बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। और अब फ्रेंड्स, हमने जो नूडल्स हमने बॉईल किए थे वो सारे हम इसके अंदर शामिल करेंगे, और अच्छा सा हम इनको मिक्स कर लेंगे। और ये देखें फ्रेंड्स, नूडल्स हमारे कितने जूसी बन रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च और रेड फूड कलर ऐड किया है, उसको डालने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों ने कोरियन नूडल्स खाए हों या आप लोगों ने किसी को खाते देखा हो, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये काफ़ी स्पाइसी और रेड होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को डालने का मेरा मकसद भी यही था। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर दिया है, और ये लें, हमारे कोरियन नूडल्स रेडी हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लग रहे हैं ना मज़े के। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को करीब से भी इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। बहुत ही यमी ये लगते हैं, और चटपटे ये बनते हैं। बड़ी ही इजी और सिंपल रेसिपी है। आप 5 मिनट्स में घर पर इजीली कोरियन नूडल्स बना सकते हैं। बस किसी भी ब्रांड के आपने आम जो नूडल्स होते हैं वो लेने हैं, और आराम से आपने इनको घर पर रेडी कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।